दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों वेलकम टू योर एक्सपर्ट फेमस गेमर। तो दोस्तों दो तीन दिन तक वीडियो नहीं आ सकेगी क्योंकि मेरा कंप्यूटर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ना पूरा का पूरा कैबिनेट टूट चुका था, जहाँ से हर जगह से टेढ़ा हो रहा था। बट मैंने ऐसे करा, ऐसे ऐसे करके मोड़ना शुरू कर दिया, जिससे ये हुआ कि ना ये थोड़ा बहुत सीधा हो गया, थोड़ा बहुत सही कंडीशन में आया। तो मेरे कंप्यूटर का ये मॉडल नंबर ये है, ऑप्टीप्लेक्स 790। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ये देखें यहाँ पर भी टूट चुका है, जैसे कि देख सकते हैं ये है, लेकिन यहाँ से टूट गया है, यहाँ पर तो है ही नहीं, सारा का सारा टूट चुका है। तो दोस्तों मैंने इसको थोड़ा बहुत ही सीधा किया है। ये कवर भी पूरा मुड़ चुका था, बट मैंने इसको ना थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की है, तो ये फाइनली सीधा हो गया है। बट इतना भी सीधा नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जुगाड़ लगा है। तो दोस्तों वीडियो के अंदर थोड़ा सही दिख रहा होगा, लेकिन रियलिटी के अंदर ये सारा का सारा सामान ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों दो तीन दिन तक वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ डब्बा ही ख़राब हुआ है। नहीं, डब्बा नहीं ख़राब हुआ, ये पावर सप्लाई पूरी डैमेज हो चुकी है। ये अंदर से देख सकते हैं धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है, और अंदर का सामान भी कुछ डैमेज हुआ है। कोई चीज़ें थी जो कि मिसिंग है इसके अंदर, क्योंकि निकल चुकी हैं जब मैं निकाल रहा था ना इसको, तो मिसिंग है इसके अंदर कोई चीज़ें। तो ये देख सकते हैं इसकी हालत। तो दोस्तों कमेंट में बताएं ये हालत कैसे हुई इसकी। तो चलें दोस्तों मैं मदरबोर्ड भी आपको दिखा देता हूँ। इसका मदरबोर्ड भी थोड़ा सा डैमेज है, उसका जो सीपीयू के अंदर के वो है ना पिंस, वो डैमेज हो चुकी है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने अपने सीपीयू के कैबिनेट्स के अंदर से निकाल दिए थे सारे सामान, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है, और ये है वो ग्राफिक्स कार्ड जिस पे मैं गेम रन करता था। 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, और सारे गेम्स को मैं वो लो सेटिंग में चलाता था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे चीज़ों का हाल, मैंने सारी चीज़ों को निकाल के रख दिया, ताकि वो जो कैबिनेट है ना वो ख़राब है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो अगर मदरबोर्ड पे लगेगा ना स्क्रैचेस वगैरह तो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चले दोस्तों मैं LCD भी दिखा देता हूँ। LCD भी पूरी टूटी हुई है, यानी कि वो पूरी डैमेज है, यानी जिसके अंदर पेपर होता है ना वो पेपर LCD। ये वाली मेरी LCD है, स्टोर रूम के अंदर रखी हुई थी, मैं इसको बड़ी मुश्किलों से लाया हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका हाल, इसके अंदर जो पूरा पेपर था ना वो डैमेज हो चुका है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ऑन करके। चले दोस्तों ये कुछ ऐसी LCD है, इसी पर मैं यानी चलाता था इसको। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इसको लगा कर। तो दोस्तों मैंने इसको प्लग इन तो कर दिया है, अभी ऑन करने की बारी आती है, तो देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। देखें सारा डैमेज हो चुका है, ये देखें सारा का सारा डैमेज है, इसका सारा अंदर का पेपर जो है ना वो उड़ चुका है, ये देखें। तो दोस्तों सारा सामान बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों मैं नया PC बिल्ड करूँगा अपना, जो कि i3 वाला होगा। तो दोस्तों कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत स्पीड कम होती है i3 के i5 से। तो चलें हम लोग CPU को निकाल के चेक कर लेते हैं, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर कोई कोई चीज़ें जो डैमेज हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलें दोस्तों, तो दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से मैं फ़ैन को निकालूंगा। तो दोस्तों हम लोग इसको उठाकर आराम से उठाते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत ठीक है ये मदरबोर्ड। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलें दोस्तों इसको खोल के ओपन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या गड़बड़ है। तो दोस्तों मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी कैसे लगेगी दोस्तों, मेरा सारा सामान ही बर्बाद हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो दोस्तों कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखा दूँगा कि प्रोसेसर कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। अल्लाह हाफिज़। तो अपना ख्याल रखना।